फिल्म में दीपिका पूछती है एक सीन में कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तो क्या पठान हिट होने के बाद ऐसा लगता है कुछ ही अंत वक्त। सुधीर तिहाड़ी वो जहरीला इंसान है कि अंत वक्त अगर हिंदू मुस्लिम का नाम पठान क्यों रखा गया, पठान की जगह पंडित भी रख सकते थे। ऐसी आवाजों के साथ सुर से सुर मिलाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजीव कुमार, आपका मेरे यूट्यूब मंच सच की आवाज में स्वागत है। इस फिल्म का टाइटल पठान क्यों रखा और इस फिल्म में शाहरुख खान पठान की भूमिका क्यों निभा रहे हैं? तो देखा आपने सुधीर तिहाड़ी कितना जहरीला इंसान है कि हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आ रहा, कि इस पिक्चर के अंदर शाहरुख खान का नाम पठान क्यों रखा, पंडित क्यों नहीं रखा। पठान फिल्म को पठान का टाइटल इसलिए मिला कि अफगानिस्तान के दूसरे देश के गांव के लोगों की शाहरुख खान ने जान बचाई, और तुझे का टाइटल मिला सुधीर तिहाड़ी जिंदल ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगने के चक्कर में 1 महीना जेल में रहकर आया, और तुझे टाइटल मिला सुधीर तिहाड़ी। ये लगता है तेरे लिए मशहूर डायरेक्टर मिस्टर विजय टंडन ने जो अल्फाज कहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है, सुने जरा। पठान हिट होने के बाद ऐसा लगता है कुछ ही अंत वक्त रह गए हैं, अगर उनको अकल आ गई तो आज देश अपने आप सुधर जाएगा। सुधीर तिहाड़ी वो जहरीला इंसान है कि अंत वक्त अगर हिंदू मुस्लिम ना भी करना चाहे ना तो ये अपने स्टूडियो से बैठ के उनको जहर का इंजेक्शन हिंदू मुस्लिम का घुसेड़ देता है। किस तरीके के बयान इन्होंने पूरे दिए, सुने जरा। बात वो ये कि इस फिल्म का टाइटल पठान क्यों रखा और इस फिल्म में शाहरुख खान पठान की भूमिका क्यों निभा रहे हैं। उनसे फिल्म में दीपिका पूछती है एक सीन में कि तुम्हारा असली नाम क्या है, तो वो कहता है मेरा कोई असली नाम नहीं है, मैं तो लावारिस हूं, मुझे ये भी नहीं पता मेरा धर्म क्या है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है, लेकिन अफगानिस्तान में गांव के लोगों की मैंने जान बचाई थी इसलिए उन्होंने मेरा नाम पठान रख दिया। लेकिन इसके जरिए शाहरुख खान कुछ कहना चाहते हैं, इसके जरिए शाहरुख खान इशारों इशारों में कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि इस फिल्म का नाम पठान क्यों रखा गया, पठान की जगह पंडित भी रख सकते थे। हमारे दर्शकों ने शाहरुख खान को एक लवर बॉय के तौर पर कितना प्यार दिया है, जब उनका नाम राज होता था, जब उनका नाम राहुल होता था, तो ये राज और राहुल अचानक इसने ये तय क्यों किया कि अब इस बार वो पठान बनेगा। तो यह है कि मनुवादी सोच के ये जहरीले नारंगी पिस्सू इतने भयंकर कीड़े हैं कि इनको अपने आप से मेहनत नहीं करनी, इनको पका पकाया माल चाहिए और उस पर दूसरे के अंदर कमियां निकालना और देश के ऊपर अपना अधिकार अपना स्वामित्व दिखा के उसके ऊपर कब्जा कर लेना, और अगर कब्जा जाने लगे तो उसके लिए जहर फैला दो, हिंदू मुस्लिम कर दो, लड़ाई झगड़े दंगे करवा दो। ये जहरीली सरकार है, इसका देश के हित में कोई काम नहीं, और जिस समय ये जाएगी भगवान जाने कि कितने भयंकर तांडव ये भाग हिंदुस्तान के अंदर करवाएगी, ये देखते बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तुरंत नोटिफिकेशन आए। नमस्कार।